अरे प्रसाद जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? मजा आ गया, बहुत मजा आया। सो हेलो गाइस, इट्स मी आशीष फ्रॉम एसएस व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो ये आप लोगों ने पार्ट वन देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं या आई बटन में आप लोग जाके विजिट कीजिए। और अभी सेकेंड पार्ट का शुरुआत कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा मॉडिफाइड कार, मतलब मॉडिफाइड मतलब यही कि मतलब पूरा ये पेन स्कीम के साथ और नो आफ्टर मार्केट सब कुछ, जैसे लाइक एग्जॉस्ट, ये सब चलते हैं, वहाँ बात करते हैं और आप लोग व्लॉग को एंजॉय कीजिए। और साथ साथ में अगर आप चैनल पे नए हो या फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर से जरूर जाना, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा, यूजर नेम है @ASISVLOG या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्रिएटर है जिनका नाम है बम्बलबी, जिनका एक यूट्यूब चैनल है, हम उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख दे रहे हैं। सो वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Hyundai i20 जिसमें पूरा लद्दाख का लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज, और इसमें ये लगा है क्या, पूरा रेसिंग स्टाइल है। सो वाह, WC 456 चैंपियनशिप। ये लद्दाख का फ्लैग के साथ यूट्यूबर है राइडिंग गोडरा, वैसे भी इनका कार का डिजाइन बहुत अच्छा लगा, डिटेलिंग भी बहुत अच्छा है। एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट लगाए या फिर स्टॉक है? स्टॉक है, मतलब सब कुछ स्टॉक है, नो आफ्टर मार्केट। ट्रैफिक का काम किया है सिर्फ। अच्छा, और वैसे जो ये लगवाए हैं कलर, जो मतलब जब पेंट लगवाए हैं, क्या उसके लिए कुछ चार्ज लगा और डॉक्यूमेंट्स लगा था? चार्ज लगा है, डॉक्यूमेंट्स। दूसरे कंट्री जैसे दुबई में तो लगता है मोवलॉग्स के देखे ही थे, तो इसलिए ऐसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनका भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पहुंच गए मैटन डैम फाइनली। वैसे पहली बार हम स्कूटी चला के आए, दूसरी बार तो हम आए थे स्कूटी से अपने कजन के साथ। और ये रहा मैटन डैम, कैमरा में कभी जस्टिस नहीं करेगा ये हमारे दीपक भाई। काफी मजा आ रहा भाई, मतलब पीछे का व्यू देखो। हाँ, आज ब्लू है, फनी ब्लू पानी हो या फिर सफेद हो, वैसे भी व्यू सही लग रहा है। वैसे कैमरा अगर जस्टिस कर जाएगा तो बाकी सब बढ़िया है। सो तो जस्ट डू इट। हाँ, डू इट मैन। अभी हम थोड़ा सा ब्रिज के पास है, मतलब ये जो डैम का जो फ्लो है वहाँ पे, और अभी एक अच्छा सा एक व्यू दिख रहा है जो पूरा ये आपका जो जहाँ से पानी क्रॉस होता है, तो इतना अच्छा लग रहा है दामोदर नदी का, बहुत अच्छा आ रहा है। और आगे थोड़ा सा फॉगी लग रहा है और एक ये इंडस्ट्री वाला है, हम थोड़ा सा जूम करें तो दिख गया, बाकी सब बढ़िया है। और यहाँ से मौसम बहुत अच्छा है, हवा भी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मोटो व्लॉगिंग वाला जो माउंट है वो टूट गया है, देखते हैं नया लगवाएंगे या फिर क्या करेंगे, वो आपको पता चल जाएगा बाद में। अभी सब अपना फोटो शूट में बिजी हैं, सो हम भी थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं। सो बहुत गर्मी लग रहा था तो हम अपना आम जैकेट बैग में रख दिए हैं, और अभी इतना अच्छा सब हवा चल रहा है। और विकास भैया, आपको कैसा लग रहा है मैटन डैम का? मैटन डैम यार बस एक द बेस्ट प्लेस इन धनबाद, ऐसा बोल सकते हैं, झारखंड ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है सीनरी बहुत जबरदस्त है। और जो भी देखने को मिल रहा है बस वो क्या है, स्पेक्टाक्यूलर है। अच्छा। और यहाँ का जो आप देख सकते हैं मतलब बहुत ज्यादा मतलब पानी है, पानी का जो वेव जो सुनने को मिल रहा है कानों में वो एक मतलब संगीत की तरह बज रहा है, और जो कानों में जो हवा लग रही है वो बस मजेदार है। बस कृष्णा भैया आते ना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन उनको बहुत मिस कर रहा है, अभी तो जगदालपुर में है। आर्य प्रसाद जी, आपको कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? मजा आ गया, बहुत मजा आया। क्या क्या अरे विकास जी क्या कर। सो व्यू भी बहुत सही लग रहा है, तो अभी तो कैमरा तो जस्टिस नहीं हो पा रहा है। तो सोनू भैया, आपको मैटन डैम का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई। हाँ, चश्मे में बहुत सही लग रहे थे लग रहे ना, बताओ बताओ कमेंट करके बताओ कैसे। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अपने दीपक भाई भी इतना बिजी थे। अरे भाई माहौल का मजा है। हाँ माहौल। फोटो शूट और शॉर्ट्स लेना हो गया, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिए। तो अभी ये एडिट हो गया इसका, सो अब इसका एक और पार्ट थ्री आएगा, दो और दो पार्ट आने वाला है, पार्ट थ्री पार्ट फोर। पार्ट थ्री में हम थोड़ा सा पार्ट थ्री में उसमें अनएक्सप्लोर जगह दिखाएंगे, तो आप लोग उसका भी स्टे ट्यून रहिएगा। अभी पार्ट टू को अपलोड कर दे रहे हैं, सो दैट्स ऑल फॉर आवर साइड। सो अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to hit the like button and do drop us a comment down below or share it across with your friend. And if you're new around here, click the subscribe button and hit the bell icon. And thoda sa pyar dikhao, show some love. And don't forget to follow me on Instagram. The username is AssisLog and there will and link description mein mil jayega. So milta hu aapko next vlog mein. Bye, peace and do what you love. Love what you do. Bye bye, take care, peace. वैसे भी बहुत दिन के बाद सबका माहौल आएगा, तो आप लोग बने रहिए। दीपक भाई खाली छोड़ ही पड़ा था।